सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को नए नए टाइप के नॉलेजेबल वीडियोस देखने के लिए। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बताऊंगा आपको कि जो आपका जो मोबाइल है उसमें ये एक्सटर्नल हार्ड डिस्क कैसे कनेक्ट करें। तो दोस्तों ये जो एक्सटर्नल हार्ड डिस्क जनरली जो रहती है हमारी NTFS से जो है फॉर्मेट होती है, तो आपने मोबाइल में देखा होगा NTFS से अगर आप पेन ड्राइव भी लगाओगे NTFS वाली तो वो सपोर्ट नहीं करती, या तो फैट में होना चाहिए या तो आपको इसमें जो है मोबाइल में लगा के ही फॉर्मेट करोगे तभी सपोर्ट करेगी। तो उसका सिस्टम क्या है दोस्तों, NTFS जो है आपका मोबाइल सपोर्ट नहीं करता है, या तो अगर आपका एंड्रॉयड टीवी है तो वो भी सपोर्ट जो NTFS नहीं करती है। तो इस कंडीशन में दोस्तों मैं बताऊंगा एक तरीका, उससे जो है आप एक्सटर्नल हार्ड डिस्क भी कनेक्ट कर सकते हो आपके मोबाइल से, और यही प्रोसेस अगर आप अपनी टीवी में करोगे एंड्रॉयड टीवी में तो उसमें भी इजिली जो है अपनी हार्ड डिस्क वगैरह या NTFS वाली जो पेन ड्राइव है वो भी जो है इजिली कनेक्ट कर सकते हो। तो वो कैसे मैं बता देता हूँ। तो सबसे पहले तो देखिए मेरे पास 2 TB की हार्ड डिस्क है ये, तो मैं जो हूँ इसको इधर कनेक्ट करता हूँ, और इसके लिए आपके पास ये होना चाहिए एक तो कनेक्टर, या तो इसको कन्वर्टर भी बोल सकते हो। तो मेरे पास सी, ये जो मोबाइल में सी टाइप पोर्ट है, मेरे पास S10+ है। तो ये भी देख लीजिएगा कि आपका मोबाइल OTG सपोर्ट करता है कि नहीं, और मैक्सिमम जो है एक्सटर्नल हार्ड डिस्क बोलने में पेन ड्राइव कितनी सपोर्ट करता है। तो ये मेरा मोबाइल तो जनरली उसको कर लेता है। तो अभी देखिए मैंने एक्सटर्नल हार्ड डिस्क जो है इससे कनेक्ट कर रहा हूँ, तो ये देखिए, तो अभी आप ही देख सकते हैं ये मेरा मोबाइल सपोर्ट कर रहा है, देखिए लाइट जल रही है हार्ड डिस्क में। लेकिन इधर देखेंगे आप तो कुछ भी जो है शो नहीं हो रहा है, कोई भी फाइल शो नहीं हो रही है। और फाइल मैनेजर में भी मैं जाके बता देता हूँ, तो ये देखिए इधर जो है इंटरनल स्टोरेज हो रही है, सो कुछ भी नहीं हो रही। तो इसके लिए आपको प्ले स्टोर में जाना है। प्ले स्टोर में जाने के बाद एक सॉफ्टवेयर डालना है, वो है माइक्रोसॉफ्ट NTFS। तो आप अगर माइक्रोसॉफ्ट भी डालोगे और उसके बाद जो है NTFS डाल दोगे, NTFS, तो ये आ जाएगा। देखिए सेकंड नंबर पे आ गया माइक्रोसॉफ्ट NTFS USB ड्राइवर बाय पैरागोन सॉफ्टवेयर। तो इस पर क्लिक करेंगे तो ये देखिए सबसे ऊपर ही आ गया, तो इसको इंस्टॉल कर लेना है। तो आप देखिए ये इंस्टॉल हो रहा है, और उसके बाद देखते हैं ये एक्सटर्नल हार्ड डिस्क मेरा मोबाइल सपोर्ट करता है कि नहीं। और 2 TB की हार्ड डिस्क है ये, हो सकता है आपका मोबाइल 1 TB या 500 GB सपोर्ट करता हो, लेकिन मेरा जो मोबाइल है 2 TB तक जो है सपोर्ट कर ले रहा है। तो अब मैं इसको जो हूँ दोस्तों ओपन करूँगा, इंस्टॉल होने के बाद इस ऐप को ओपन करना है, तो इधर ऐसा मैसेज आएगा तो ओके कर देना है। अब देखिए अब ये कनेक्टिंग USB डिवाइस कर रहा है, मतलब अगर कोई कनेक्ट है इससे तो उसको डिटेक्ट कर रहा है ये। तो अभी देखिए एक्सटर्नल हार्ड डिस्क शो होती है कि नहीं। तो अब देखिए दोस्तों इस प्रकार से ऑप्शन आ जाएंगे, तो इधर ये देखिए शो हो गया है एक्सटर्नल ड्राइव, ये देखिए, और इसमें कितने और ये जो इतने इसमें पार्टीशन बने ना दोस्तों ये भी आ गए, नो नेम रिकवरी इस नाम के विंडोज, इस नाम के इसमें पार्टीशन भी हैं। तो आपको मेन जो सबसे ऊपर है एक्सटर्नल ड्राइव जो लिखा है इसको जो है आपको क्या करना, माउंट। तो अब इधर ये परचेस करने के लिए बोलेगा, तो इधर जो है अभी आप ट्रायल कर लीजिए, अगर आपको अच्छा लगे तो परचेस कर लीजिएगा। तो इधर मैं कंटिन्यू करूँगा, कंटिन्यू इन ट्रायल, तो इसको अलाउ अलाउ कर देना, सब चीज़ अलाउ करनी है इधर पर आपको। अब ये देखिए अब इधर ये इसको माउंट हो गया है, अनमाउंट नहीं करना इसको, है ना, इधर ओपन करना है, ओपन करा। तो अब ये एक बोला फाइल मैनेजर रिक्वायर्ड, जो कि टोटल कमांडर आपको इंस्टॉल करना है। तो इधर ओपन ओपन गूगल प्ले, मतलब एक और ऐप आपको इंस्टॉल करनी है, ये है टोटल कमांडर फाइल। आप अगर आप चाहें तो इसको पहले से भी इंस्टॉल कर सकते हैं, तो मैं इधर से कर ले रहा हूँ। ये दोनों जो है ऐप कंपलसरी है इंस्टॉल करना, और ये दोनों ऐप जैसे इंस्टॉल हो जाएंगे तो आपकी पेन आपकी जो एक्सटर्नल हार्ड डिस्क है NTFS वाली या कोई भी पेन ड्राइव भी हो तो सपोर्ट करने लगेगी। तो अब इसको भी अलाउ करना है। तो अभी ये जो फ़ोन है मेरा जहाँ तक है कनेक्ट हो चुका है, मैं चेक कर लेता हूँ। तो ये देखिए नहीं, तो ये तो इंटरनल स्टोरेज ही बता रहा है। तो अब इधर आपको क्या करना है, कंफ्यूज होने वाली कोई बात नहीं, फिर से बैक जाना है, फिर से बैक गए और इधर फिर से ओपन करना है, क्योंकि वो वाली जो हमने टोटल कमांडर बाद में डाला था इसलिए इसको बैक करके फिर से इधर से ओपन करना है। और अब ये मेरी जो है हार्ड डिस्क शो हो गई है, ये देखिए दोस्तों ये हार्ड डिस्क मेरी एक्सटर्नल ड्राइव ऊपर लिखा है, देखिए एक्सटर्नल ड्राइव शो हो चुका है। अब मैं देखिए इसमें बहुत सारे फोल्डर फोटो वगैरह मूवी हैं, तो मूवी में देख लेता हूँ, एवेंजर डली हुई है तो इसको मैं एक बार चला के देख लेता हूँ। तो ये देखिए प्ले फोरग्राउंड
ऐसे आपको जो है क्लिक करना है। तो जो भी इसके अंदर डाला वो सभी चीज़ एक्सेस कर सकते हो आप, कोई भी जो है प्रॉब्लम नहीं है और ना ही कोई प्रॉब्लम होगी। तो ये देखिए, ये 4K मूवी है मेरे पास और ये रन हो रही है और इजिली जो है डिटेक्ट कर ले रहा है। तो इस प्रकार से आप कोई भी जो है पेन ड्राइव, एक्सटर्नल हार्ड डिस्क वगैरह जो है कनेक्ट कर सकते हो। तो इधर से मैं अनमाउंट कर दूंगा तो ये इजेक्ट हो जाएगी, डिसकनेक्ट हो जाएगी और ये डिसकनेक्ट हो चुकी है। तो दोस्तों अभी जो चीज़ मैंने बताई है ये पेन ड्राइव में भी लागू होती है। ये पेन ड्राइव अगर NTFS से फॉर्मेट करोगे तो मोबाइल जो है आपका सपोर्ट नहीं करेगा। तो अब दोस्तों आप बोलोगे कि फैट में ही हम फॉर्मेट कर लेंगे, फैट तो सपोर्ट कर लेगा, ये इसमें लगा के फॉर्मेट कर लेते हैं मोबाइल में। लेकिन एक चीज़ याद रखना कि जो 4 GB से ज़्यादा कोई भी चीज़ आप इंस्टॉल, या मैं बोल दूँ इसमें आप डाल नहीं सकते हो पेन ड्राइव या एक्सटर्नल हार्ड डिस्क में, अगर फैट से करोगे। इसके लिए आपको ये पेन ड्राइव, जैसे मान लीजिए इसको NTFS से फॉर्मेट करोगे तभी आप 4 GB से ऊपर कोई भी फाइल या वीडियो डाल सकते हो। तो दोस्तों जनरली हुआ क्या था कि 6 GB की मेरे पास एक वीडियो थी 4K की, तो पेन ड्राइव में मैंने जैसे ही डाली तो वो बोला था कि आप NTFS से फॉर्मेट करिए, मतलब उसमें जा नहीं रही थी, टू मच इनफ, मतलब आपकी स्पेस नहीं है, इस टाइप से कुछ मैसेज कर रहा था। तो मैंने क्या किया कि उसको NTFS से फॉर्मेट करके जो है मैंने 6 GB का वीडियो डाल दिया। लेकिन वो जो है फिर मोबाइल मेरा सपोर्ट नहीं कर रहा था, वहीं मैंने टीवी में भी लगाया तो टीवी भी पेन ड्राइव सपोर्ट नहीं कर रही थी। तो ये तरीका, इससे आप कोई भी एक्सटर्नल हार्ड डिस्क या पेन ड्राइव NTFS वाली चला सकते हो, आप में मोबाइल में इजिली कनेक्ट कर सकते हो। तो और यही सेम चीज़ आप अपनी एंड्रॉयड टीवी में भी कर सकते हो। कई बार आपको टीवी में देखना रहता है कोई भी 4K, मान लीजिए 4K टीवी है, लेकिन कई बार कुछ टीवी मैंने देखा सपोर्ट नहीं करती NTFS। तो यही सेम ऐप आप डाउनलोड करके और टीवी में, एंड्रॉयड टीवी में, और ये इजिली जो है एक्सटर्नल हार्ड डिस्क या पेन ड्राइव लगा सकते हो। तो दोस्तों आपको वीडियो समझ में आ गया होगा उम्मीद करता हूँ। अभी भी कोई डाउट है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि इस टाइप से बहुत सारे जो है मैं वीडियो लेके आऊँगा जो कि आपके काफ़ी काम के रहेंगे। तो दोस्तों फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक आप बने रहिए, देखते रहिए आपके अपने चैनल में नॉलेज फॉर टैक।